तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ले उड़ान। मैं हशमत सईद, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया, जो अगर आप बीएड जनरल करना चाह रहे हैं और हिंदी लेना चाह रहे हैं, फिर सोशल साइंस के सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं, फिर आपका लैंग्वेज हिंदी होना है, तो किस तरीके से तैयारी करेंगे, कैसी तैयारी करनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी, वो सारा चीज़ अभी तक आपने देखा, अभी भी नहीं अगर देखा तो इससे पहला वाला वीडियो बीएड का जाकर आप देख लीजिए। आज की इस वीडियो में बात करेंगे, बीएड में अगर आप मैथ लेना चाह रहे हैं या फिर साथ ही साथ केमिस्ट्री लेना चाह रहे हैं, फिजिक्स लेना चाह रहे हैं, तो किस तरह आपको चुनना है, क्या इसमें भी सोशल साइंसेज आपको लेने पड़ेंगे, क्या इसमें भी आपका लैंग्वेज बैरियर होता है, या फिर अगर आपने बीएससी का कोई भी सब्जेक्ट लेना है लेकिन आपका इंग्लिश के बजाय आप हिंदी लेना चाह रहे हो, उर्दू लेना चाह रहे हो, क्या आप एलिजिबल हो, या फिर आपका फॉर्म कैसे फिल करना है। क्योंकि बीएड के लिए फॉर्म फिल करने बहुत एक कठिन, आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत कठिन का काम, कठिनाई वाला काम है, क्योंकि थोड़ी सी गलती करेंगे, थोड़ा सा अगर चूक जाएंगे आप, तो पूरा फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे, अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन में आपका बीएससी रहा है, या फिर आपका जो प्लस टू रहा है वो आपने साइंस से किया है, और आगे जो बीएड जनरल करना चाह रहे हैं वो आप साइंस में, साइंस स्ट्रीम से बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ, चाहे मैथ्स लेना चाह रहे हो, फिजिक्स लेना चाह रहे हो, बायो लेना चाह रहे हो, तो कैसे लेना, आपको तैयारी कैसे करनी है, क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे, क्या सबके लिए सेम क्वेश्चन आएगा या फिर क्वेश्चन का पैटर्न अलग होगा, इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आइए, जो बीएड जनरल में एक स्टूडेंट्स में बात करने की कोशिश करूँगा, जो ऑलरेडी मैथ ले रखा है और मैथ से बीएड कर रहा है, उनका क्या तजुर्बा रहा है, कैसे उन्होंने तैयारी की है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, सारा चीज़ जानने की कोशिश। तो तकदीर हुसैन, सबसे पहले आपका मैं हमारे चैनल ने उड़ान में स्वागत करता हूँ। शुक्रिया आपका। जैसे आपको मैंने भी पहले बताया, जो इसमें बेसिकली जो बीएड है और बीएड जनरल में कैटेगराइज होता है, और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, लाइक सब्जेक्ट कैसे चुने, अगर कोई बीएससी लेना, बीएससी में फिजिक्स लेना चाह रहा हो, कोई केमिस्ट्री लेना चाह रहा हो, कोई मैथ लेना चाह रहा हो, तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन ले सकता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तकदीर साहब, ब्रीफली मैं आपके बारे जानना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद तकदीर हुसैन है और मैं लखनऊ से हूँ, और मैंने अपना ग्रेजुएशन कानपुर यूनिवर्सिटी से किया है, बीएससी इन मैथ। ओके, और उसके बाद मैंने जामिया में ट्राई किया, अल्हम्दुलिल्लाह हो भी गया है। और सो जामिया में अभी आप बीएड जनरल कर रहे हैं? जी। कितना दिन हो गया एडमिशन को आपका? मुझे 5 महीना हो गया है। 5 महीना में जामिया कैसा लगा आपको, ये बताइए। जामिया बहुत अच्छा लगा, मैं जामिया आने के लिए बहुत दिन से ट्राई कर रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मुझे मिला है। ओके, सो यहाँ के लोग, एनवायरनमेंट, तहजीब, जामिया एक इदारा ही नहीं, तहजीब भी है। ओके, और जामिया मुझे बहुत पसंद हुई, मतलब इतने दिनों में मेरे बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे, मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, जो चीज़ें इमेजिन कर रहे थे सामने आ रहा है ना। जी, ये सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं स्टूडेंट को जामिया अपनी तरफ आकर्षित, यानी अट्रैक्ट करती है, और स्टूडेंट यहाँ पे आता है ना। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा तकदीर साहब आपसे, जो बीएड जनरल में कोई, अगर जैसे आपने कहा आप मैथ्स कर रहे हैं, आप मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथ एंड फिजिक्स है, तो मैथ एंड फिजिक्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? देखिए, अगर कोई बंदा, ये है कोई स्टूडेंट, वो ग्रेजुएशन में मैथ और फिजिक्स मिनिमम 2 साल पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, और उसकी जो परसेंटेज, तो ऑनर्स पेपर हो, सब्सिडरी हो, सीबीएसई से कोई दिक्कत नहीं, 2 साल मिनिमम पढ़ा होना, मिनिमम या 4 सेमेस्टर। ठीक, उसके बाद आप स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट जो होते हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, बायो हो गया, वो होना चाहिए, तो आप बीएड जनरल के लिए एलिजिबल हैं उसके लिए। ओके, सो आपने जैसे कहा जो 2 साल तक उसका, या तो मैथ्स होनी चाहिए अगर आप मैथ्स में आना चाह रहे हो, फिजिक्स होना चाहिए फिजिक्स में अगर आना चाह रहा हूँ, ठीक है, या फिर केमिस्ट्री। एक चीज़ में जानना चाहूँगा, फॉर एग्जांपल आपका मैथ एंड केमिस्ट्री है, ठीक, मैथ एंड फिजिक्स है आपका, और आप हिंदी मीडियम से ले रहे हैं? जी, हिंदी मीडियम से। जामिया में 3 मोड है, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। कोई उर्दू से लेना चाह रहा हो बट उसका जो बीएससी हुआ वो इंग्लिश मीडियम से हुआ है, तो क्या वो यहाँ पे बीएड जनरल उर्दू के लिए एलिजिबल है या नहीं है? हाँ, ऐसे अगर उसने अपने 10th में या 12th में एक सब्जेक्ट पढ़ा है उर्दू, तो वो एलिजिबल है एज ए लैंग्वेज। ओके, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर एलिजिबल नहीं है। फिर जो 10th या 12th में जो लैंग्वेज पढ़ा है उसके लिए एलिजिबल है। ओके, सो बीएड जनरल में अगर मैं बीएससी की बात करूँ, जैसे मैं ज़्यादा एम्फिसाइज इसलिए मैथ्स को कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा कमेंट्स आते हैं इसमें, जो कोई स्टूडेंट है जो, जैसे आपने कहा भी, 2 साल तक वो सब्जेक्ट इसमें पढ़ा हो, ठीक है, बाय द वे उसने अगर पढ़ा नहीं है, वो लेना चाह रहा है, उसका इंटरेस्ट है मैथ में अच्छा कर सकता हो, लेकिन 12th में नहीं पढ़ा है, या फिर 12th में भी पढ़ा है लेकिन ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा है, क्या वो एलिजिबल है? 11th 12th में मैथ पढ़ा है वो, और ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा है, मैंने तो एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं। ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैंने अपना ग्रेजुएशन 2021 में कंप्लीट किया, और मैंने, मुझे ज्योग्राफी बहुत अच्छी लगती थी, मैंने अपना जो फॉर्म फिल किया उसमें एक ज्योग्राफी और हिंदी ले ली, मैंने इंट्रेंस क्वालिफाई किया या इंटरव्यू में आया, तो मुझे पता था मैं एलिजिबल नहीं हूँ। अच्छा, तो उसके बाद मैं इस बार मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्म सही से भरा,
फिर मैं यहाँ आया, फिर इंटरव्यू दिया, फिर हो गया। मतलब ये कह सकते हैं जो फॉर्म फिल करते वक्त भी पूरी ध्यान होनी चाहिए, ध्यान होना चाहिए कि आपके पढ़ाई सब्जेक्ट क्या है, आपने ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा है और क्या सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हैं फॉर्म में। तो वैसे इस बात का खास ध्यान रखिएगा, आप जो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप, या फिर ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 2 साल तक उस सब्जेक्ट को पढ़ा है उसी को आप ले सकते हैं, उसके बाद ही आप एलिजिबल होंगे। अदरवाइज एलिजिबल नहीं होगा ना, भाई के साथ भाई साहब की तरह आप भी होंगे जो एंट्रेंस तो निकाल लेंगे बट इंटरव्यू में आके छंट जाएंगे, तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, है ना। सो क्वेश्चन का लैंग्वेज तीनों होता है, ठीक है, और 170 क्वेश्चन होता है। 170 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए टाइम कितना मिलता है? 3 आवर्स, 3 घंटे का टाइम मिलता है। 3 घंटे में उसको सॉल्व करना होता है। कट ऑफ क्या जाता है वैसे? कट ऑफ ये सब्जेक्ट वाइज अलग अलग जाती है, माइनॉरिटीज़ की कुछ होती है, कुछ वुमेंस की भी सीट होती है, तो उसको अलग अलग जाती है। मैंने अपना जो यहाँ पे एडमिशन इस साल लिया है, मैंने जो उसमें एक माइनॉरिटीज़ की सीट निकलती है, मैंने उस OBC कोटे के से लिए थी, शायद उसकी कट ऑफ 97 गई थी। टोटल सीट कितना वैसे? 200 होती है। आप जो जनरल है, बीएड जनरल, उसमें 200 सीट है, फिर उसमें कैटेगराइज में टुकड़े में बढ़ जाते हैं वो। यस, सब्जेक्ट वाइज हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से, और बाकी वुमेन्स की कुछ सीटें अलग होती हैं, वुमेन्स को किया जाता है। सो गाइस, आपको तो पता है प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा सफिशियंट होता है, तो आपको तो वो देखना ही चाहिए। साथ ही साथ मैं आपसे जानना चाहूँगा, कोई एक बुक आप प्रेफर करना चाहेंगे जो बीएड के लिए तैयारी के लिए वो बहुत ज़्यादा सफिशियंट हो? कोई विशेष किताब या कोई टीचर से? मतलब मैं खुद एक CGL के प्रिपरेशन कर रहा था, इसीलिए मुझे किसी चीज़ जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन हाँ, मैं टीचिंग एप्टीट्यूड हिमांशी मैम के जो वीडियो एक सीरीज पड़ी है, 48 वीडियो है तक यूट्यूब पे, उनसे कुछ देख लिया था। और GS में मैं GS जैसा कि मैं बताया कि CGL तैयारी कर रहा था, मैंने जो किरण के प्रीवियस पेपर होते हैं वो पढ़ता था, उससे हो गया आराम। अलहमदिल्ला जो बात करंट अफेयर की होती है, करंट अफेयर में रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, तो छोटे छोटे चीज़ें पूछते हैं। और बाकी रीजनिंग तो आप जान ही सकते हैं, रीजनिंग तो बहुत बड़ा ही सिंपल, लेकिन इसमें रीजनिंग भी 2-4 जो टॉपिक हैं, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, रैंकिंग हो गया, सीरीज हो गया, एनोलॉजी हो गया, अगर ये बंदा कोई सही से पढ़ ले तो उसका काम हो जाएगा। अच्छा। बाकी मैथ की बात, मैथ में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे परसेंटेज के और 11th-12th के बेसिस? नहीं, नो, हाई स्कूल लेवल, 10th तक, बस इससे ऊपर नहीं। ओके, और बाकी यही चीज़ें हैं। लैंग्वेज की बाकी बात आई, तो मैंने लैंग्वेज कहीं से नहीं पढ़ा, बस ऐसे ही हो गया मेरा, मतलब पेपर प्रीवियस करते रहे। अच्छा, टीचिंग एप्टीट्यूड में किस किस टाइप के क्वेश्चन होता है? कुछ बहुत बेसिक होते हैं, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट की, बच्चा छोटा है पहले बोलना कैसे सीखता है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। मतलब बेसिक जो बिल्कुल बेसिक, वो साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं, बिल्कुल बेसिक। ओके, आपको इंट्रोड्यूस करा दिया कि ये चीज़ें आगे आपको पढ़नी है, बाकी कोई बड़ी चीज़ नहीं पूछते। और उसके बाद 170 का एंट्रेंस होता है, फिर 13 नंबर का होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू का हम ऊपर बाद में बात करेंगे, अलग वीडियो में। तकदीर साहब, मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा, बेसिकली जो टाइम बहुत कम है, अगर देखा जाए अभी शायद फॉर्म भी आ चुका है, 1.5 महीने का मुश्किल से टाइम है, कम समय में जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं बीएड जनरल के लिए, कुछ आप उनको हिंट देना चाहेंगे, कुछ गाइडलाइन अपनी तरफ से गाइडेंस देना चाहेंगे, आप क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस तरीके से अपना स्मार्ट स्टडी करें वो, जो वो भी आपके तरह जामियन बन सके? तो उनसे यही कहना चाहूँगा, वो पहले प्रीवियस पहले सिलेबस देखें और फिर प्रीवियस पेपर पर पढ़ें, उस पेपर के हिसाब से तैयारी करें, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा, इंशाल्लाह उनका हो जाएगा। कोई खास नहीं है। पेपर देखें और रीजनिंग और मैथ देख लें, बाकी करंट अफेयर GS तो लोग कर ही लेते हैं अपने। ओके, सो आई थिंक इतना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा स्टूडेंट्स के लिए। थे तकदीर साहब, इतनी सारी हम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करूँगा इस वीडियो से बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलेगी, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके जूनियर वर्कर आएंगे और आपसे मिलेंगे, हाँ आपके वीडियो से हेल्प मिला था, आज मैं जाम नहीं, उस वक्त आपको बहुत खुशी महसूस होगी। थैंक यू सो मच।